Dear students, this is a second chapter of Beehive, The Sound of Music. Evelyn Gilani, और ये दो पार्ट में है, पार्ट वन एंड पार्ट टू. पार्ट टू में बिस्मिल्ला खान है और पार्ट वन में. वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. इसमें जो कैरेक्टर है वो मेन टू कैरेक्टर हैं, वह एवेलाइन गिलेनी है, अ डीव रिनोड जाइलोफोन प्लेयर्स. ये डीव थी, ये सुन नहीं पाती थी लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से चलाती थी. और दूसरा जो है रॉन फॉब्स. ये रॉन फॉब्स जो थे ये पिकॉसनिस्ट थे, ये ड्रम प्लेयर थे. ये ड्रम प्लेयर थे और एवेलाइन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए थे. तो दो कैरेक्टर हैं और छोटे मोटे कैरेक्टर होंगे जिसका यूज कम. तो अब लाइन बाय लाइन हम इसको डिस्कस करते हैं. रस आवर्स क्लाउड्स जोसल फॉर द पोजीशन ऑफ द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. जोसल मींस होता है धक्का मुक्की, जहां होता है तो उसी को जोसल कहते हैं. तो रस आवर मतलब भीड़ भाड़ का टाइम था और क्राउड बहुत था वो प्लेटफॉर्म पे. अ स्लाइड गर्ल, एक छोटी सी लड़की थी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. 17 ईयर्स की थी लेकिन थोड़ी यंगर दिखती थी, मतलब कि थोड़ी छोटी दिखती थी. वाज नर्वस, थोड़ी नर्वस थी. एट एक्साइटेड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. इट मतलब बट होता है, लेकिन वो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी. एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. यहाँ वाइब्रेशन वर्ड आया है, वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन माने जो ट्रेन आ रही थी जिससे उसको आगे मूव करना था, तो उसके वाइब्रेशन को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गए. क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा है, अभी पढ़ा ना कैरेक्टर में कि वो डीप थी, तो वो वाइब्रेशन से ही सब कुछ महसूस करती थी. तो ऐसे जो होते हैं डीप होते हैं, उनका इस तरह का पावर किसी चीज़ के वाइब्रेशन को महसूस कर लेना वगैरह बहुत ज़्यादा होता है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. वो जो है बहुत रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है बहुत फेमस है, और वहाँ पे वो फर्स्ट डे जा रही थी, इसीलिए थोड़ी सी और नर्वस थी. डाउंटिंग, फ्राइटनिंग होता है. इनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म. ए स्कॉटिश लड़की थी और यहाँ पे यहाँ से इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में इतने बड़े जगह पे जाकर अपना प्रोग्राम देना, अपना जो है दिखाना, तो यहाँ पे जो है एक टीनेजर्स के लिए जो था ये थोड़ा फ्राइटनिंग था ही. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. लेकिन ये जो म्यूजिशियन थी जो एवेलाइन के बारे में कहा गया है, ये बहुत ज़्यादा डिजायरिंग थी, ये चाहती थी बहुत आगे बढ़ना चाहती थी. तो फेस्ट ए बिगर चैलेंज देन मोर. ज़्यादातर लोग जो चैलेंज फेस करते हैं उससे ज़्यादा चैलेंज है फेस की, क्योंकि ये सुन नहीं सकती थी और म्यूजिक जो होता है वो हियरिंग पे ही होता है, तो इसके लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा था. सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो कंप्लीटली डीप थी, मतलब है कि वो पूरे के बाद थोड़ा भी वो नहीं सुन सकती थी. एवेलाइन गिलेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे होता है, कोई होता नहीं जैसे कि अचानक जो है डीप हो जाए, बहरा हो जाए, उसे सुनाई नहीं दे. लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, ये धीरे 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 जो है ये डीप बनी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8 ईयर ओल्ड एवेलाइन. जब ये 8 साल की थी तो मदर ने कुछ नोटिस किया कि कुछ इसके साथ गलत हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ. वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो सीखने के लिए वहाँ गई थी, तो वहाँ पे जो है ये मदर और ये दोनों वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम, जब इसका नाम बुलाया गया एंड सी डिडंट मूव, मतलब ये कोई इसका नाम बुलाया गया, ये वेट में थी, बैठी हुई थी, लेकिन ये मूव नहीं की, मतलब कोई एक्शन नहीं दी. तब आई सडनली रियलाइज, तब उसकी मदर कह रही कि तब उसी समय वो रियलाइज कर गई. सी हैडंट हर्ड सेज इसाबेल ग्लेनी. तो उसकी मदर रियलाइज कर गई कि वो जो है वो नहीं सुन पा रही है, मतलब कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम है. फॉर क्वाइट ए वाइल एवेलाइन मैनेज टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डीफनेस. कुछ दिनों तक तो इन लोगों ने उसके डीफनेस को, मतलब है कि वो नहीं सुनती थी, उसके ऐसे डिफनेस को ये लोग छिपा के रखा, मतलब किसी से नहीं बताया. फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ना तो उसके फ्रेंड को बताया गया ना टीचर को लोग बताया गया कि ये नहीं सुने. बट बाई द टाइम सी वॉज
11 हर मार्क्स है डिटोरिएटेड, डिटोरिएटेड मतलब बहुत बुरा होने लगा, जब 11 की हुई तो उसके मार्क्स जब बहुत बुरे होने लगे, एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, तब जो है उसके जो हेड मिस्ट्रेस थे स्कूल के हेड मिस्ट्रेस ने इनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि वे लोग इसको जो है किसी स्पेशलिस्ट से दिखाएं उसके बहरेपन का इलाज। इट वॉज देन डिस्कवर डैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मतलब बिकम वर्स, तब जाके वो लोगों ने स्पेशलिस्ट से दिखाया तो पता चला कि उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है करीब करीब समाप्त हो चुकी है एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ग्रेजुअल मतलब लगातार धीरे धीरे जो है उसके नर्व जो है डैमेज हो गए और वो सुनना बंद कर दी। देवर एडवाइज दैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स का मतलब होता है सुनने वाली जो मशीन लगा जाती है, तो ऐसा ही हुआ कि ऐसा हो कि उसी के हेल्प से थोड़ा बहुत सुन ले, सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसको जो है वैसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया जहाँ डीफ लोगों को पढ़ाया जाता है, मतलब बहरे लोगों के लिए अलग स्कूल होती है और ऐसे लोगों को उसी के तरीके से पढ़ाया जाता है, तो वहां पे उसको बोला एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक से एवलिन, एवलिन बोली कि अचानक उसको जो है सब कुछ ब्लैक हो गया, मैंने कहने का सेंस ये है, वो कहना ये चाह रही है कि उसका फ्यूचर जो है डार्क हो गया, मतलब सुन नहीं पाएगी तो उसका भविष्य जो है अब अंधकार मैलने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो जो है ये जो है गिव अप मतलब होता है त्यागना, तो आगे का जो सोच रखी थी आगे को जो करना था उसको त्यागी नहीं, मतलब वो सोची कि आगे जो करना है वो करेंगे। सी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वो पहले से सोच रखी थी कि जैसे बाकी लोग जीते हैं उसी तरह से वो नॉर्मल लाइफ जिएगी, एंड परसू कैरी ऑन होता हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, क्योंकि शुरू से उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट था, पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो पियानो सीखने जाती थी, तो वो उसको कैरी ऑन मतलब है कि म्यूजिक सीखना नहीं छोड़ना चाहती थी, वो उसको कैरी ऑन करेगी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, टू मतलब होता है ही, तो एक दिन एक गर्ल को देखी कि वो जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा इस तरह का म्यूजिक और दोनों से जो है हिट किया जाता है और उसका बजाया जाता है, तो किसी को देखी बजाते हुए तो सोची कि जो है वो भी जो है इसको बजाए, प्ले का मतलब बजाने के सेंस में होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के साथ, तो ये सोची कि ये भी जो है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, चूंकि वो डीफ थी वो नहीं सुन पाती थी तो क्या बजाएगी वो तो समझ में नहीं आएगा उसको, तो मैक्सिमम टीचर जो है डिस्करेज मतलब होता है उसको इस काम के लिए मना किए कि वो सक्सेस नहीं करेगी। बट परक्यूनिशनिस्ट रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, ये रॉन फॉप्स हैं और पोटेंशियल का मतलब है कि उसकी एबिलिटी, उसकी डिजायर और उसके जो इच्छा थी, इंटरेस्ट था, उसको जो है देखने के बाद उन्होंने जो है उसको स्पॉट किया कि ये सीख लेगी। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, ट्यूनिंग मतलब होता है बजाना, तो ये ड्रम बजाते थे तो डिफरेंट नोट्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आवाज निकाले। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, ईयर्स से तो सुन ही नहीं सकती थी तो कहे कि अपने ईयर्स से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और वही उसको समझाए कि दूसरे वे दूसरे तरीके से उसको समझो। सेव लाइन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, तो वो ड्रम जब बजाते थे तो ड्रम की आवाज निकलती थी, ये तो सुन नहीं सकती है लेकिन इसको महसूस हुआ कि जब जोर से ड्रम बजाते हैं तो उनकी आवाज वेस्ट के ऊपर से महसूस होती है और जब धीरे से बजाते हैं लोअर वन तो वेस्ट के डाउन से, मतलब है कि बॉडी जो होता है बॉडी से ये जो है और स्किन के थ्रू सेंसेशन के थ्रू वाइब्रेशन के थ्रू ये महसूस करने लगी ड्रम के साउंड को। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और इसी तरह के एक्सरसाइज फिर रिपीट किए, एंड सून एवलाइन डिस्कवर दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, तो नोट्स का मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आवाज निकलने लगी ड्रम से,
और वो महसूस करने लगी कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो डिफरेंट नोट्स की आवाज़ महसूस हो रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, अब इसको सिखाया गया, आई हैड लर्न, ये सीखी, क्या सीखी, ओपन माई माइंड, माइंड एंड बॉडी। और चूंकि दो ही चीज़ से है, माइंड महसूस कर सकता है, सेंस कर सकता है, और बॉडी जो है उसको जो वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करेगा। टू साउंड एंड वाइब्रेट्स, तो साउंड सुनना है और वाइब्रेशन के थ्रू, द रेस्ट वॉज सियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब जो है ये कैसे ये सुनेगी, तो निश्चित रूप से वो डिटरमाइंड होगी, कंप्लीट डिटर्मिनेशन होगा और हार्ड वर्क होगा। इसी तरीके से वो डिफरेंट किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट नोट्स को, डिफरेंट आवाज को वो आराम से सुनती है। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, सी नेवर लुक्ड बैक का मतलब होता है उसके बाद वो कभी पीछे नहीं आई, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। जब वो रॉन फॉब से मिली और उन्होंने इसको सुनने के लिए डिफरेंट मेथड का यूज किया, उसके बाद वो कभी बैक नहीं गई। सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, मतलब वो बजाती थी, जाइलोफोन बजाती थी, तो ग्रुप था। पहले ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, बहुत से यंग जो होते हैं लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसी ग्रुप के साथ ये यूनाइटेड किंगडम में घूमी। एंड बाय द टाइम सी वाज 16, उस समय उसकी एज जो थी 16 इयर्स की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, अब जो है वो डिसाइड कर ली कि म्यूजिक हर लाइफ, मतलब कि पूरी जिंदगी जो है आगे का जो कैरियर उसका होगा वो म्यूजिक पे ही होगा। सी ऑडिशन्ड फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। वहां पे जाकर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाकर इन्होंने अपने म्यूजिक का परफॉर्मेंस दिया और वहां पे स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब उसके हिस्ट्री में, उस इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में जितने ही मार्क्स आए थे उसमें इनका भी मार्क्स बहुत ज्यादा था। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रल वर्क का मतलब होता है कि ग्रुप, और बहुत से लोग ग्रुप करके और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करते हैं, तो ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, एक ही बार नहीं हुआ, वो उस ग्रुप से के बजाय अब वो सोलो परफॉर्मेंस का मतलब कि अकेला स्टेज पे जाना और अपना प्रोग्राम देना, इस तरफ वो मूव करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, 3 years का कोर्स था, उस कोर्स में म्यूजिक के बहुत चीजें वो सीखी और सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप, मतलब है कि मैक्सिमम टॉप अवार्ड्स जो इंस्टीट्यूट में थे, म्यूजिक सेंटर में थे या रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में थे, ये अवार्ड यही जीती। एंड फॉर ऑल दिस एवलाइन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, चूंकि डिसेबिलिटी थी, वो डीफनेस था उसके साथ, लेकिन वो ये अवार्ड बहुत जीती, बहुत ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में थी, उसके बाद से सोलो परफॉर्मेंस करने लगी, लेकिन इतना सक्सेस करने के बाद भी जो है ये अपने आप को वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, वो ऐसा मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट दिखाता हो, हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड And know where you are going, you will get there. ये कह रहे हैं कि if you work hard, मतलब अगर कड़ी मेहनत करते हो, and know, अगर जानते हो where you are, कि तुम कहाँ जा रहे हो, you will get there, तुम वहाँ जरूर चले जाओगे। And she got right to the top, और निश्चित रूप से जो है वो टॉप पे पहुँच गई। The world most sought after multi percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule, मतलब है कि जो ग्रुप होते हैं, बहुत से ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होते हैं, उसमें बहुत सा लोग ड्रम बजाता है, दूसरे म्यूजिक बजाते हैं, दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और हेक्टिक का मतलब होता है बहुत बिजी। अब ये पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के अपना बहुत बिजी जो है ये प्रोग्राम देने लगी और लोग जो है इसके प्रोग्राम को देखने लगे। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. देखो watch जो है without hearing word है, या watch word है। Hearing का मतलब होता है कि वो तो सुनती नहीं थी,
बहुत प्रयास करते थे, वो सुन नहीं पाती थी। और ये बहुत क्यूरियस बात है कि जो इतना बड़ा फंक्शन दे रहा है वो सुन नहीं रहा है। इन आवर 2 आवर्स डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, चूंकि वो बोलती बहुत अच्छा से थी और वो जब डीफ बनी थी तो कुछ सालों तक वो सुनी थी, इसलिए उसको स्पीकिंग पावर बहुत अच्छा था। तो ये कह रहे हैं कि 2 आवर्स डिस्कशन, 2 घंटे के डिस्कशन में वो 1 वर्ड भी मिस नहीं की। मैन विथ बूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल और सी लाव्ड, वो हंसते हुए बोली कि जो बूसी बियर्ड होते हैं, जो दाढ़ी बूसी की तरह होता है, वो हमको बहुत ट्रबल करते हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस स्पेशली द आईज। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो सिर्फ लिप्स को वॉच नहीं करती थी, इट इज द होल फेस स्पेशली द आईज। मतलब है कि कोई सी भी चीज को समझने के लिए जो नहीं सुन रहा है वो लिप्स के, आईज के और फेस के चेंजेज होने से वो कहने वाले की बहुत सी बातें समझ जाएगा। और ये भी इनके साथ, जो एवलिन के साथ भी यही बात थी। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिट, फ्लॉलेसली मतलब विदाउट मिस्टेक, वो बहुत बिना मिस्टेक किए बहुत ही अच्छा से स्कॉटिश लिटरेचर में वो बोलती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 ईयर तक, 7, 8, 9, 10 ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे उनका हियरिंग एबिलिटी खत्म हुआ। तो ये कह रही है कि ये बहुत क्लियरली बोल लेती है क्योंकि ये 11 ईयर तक सुनी थी और सुनने के बाद ही कोई जो है बच्चा बोल सकता है, तो इनकी बोलने की एबिलिटी बहुत अच्छी थी। सी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन वो तो ठीक है लेकिन वो इस बात को नहीं बता पाई कि वो फ्रेंच कैसे सीखी, क्योंकि फ्रेंच तो वो बाद में सीखी और बेसिक जापानीज भी वो जानती थी, तो ये सब बाद में सीखी। तो मदर टंग तो बचपन से जो बोलते हैं पेरेंट के साथ बोलते बोलते कोई भी बोल सकता है, लेकिन बाकी लैंग्वेज बोलने के लिए सीखना पड़ता है, लेकिन वो तो उस समय तक उसकी नहीं थी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी का मतलब होता है कि म्यूजिक जो है इनके अंग अंग, इनके बॉडी के कण कण में समाया हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स मीन्स होता है सेंसेशन, इनके स्किन में जब कोई आवाज निकलती है तो सेंसेशन होने लगता है। माय चीक बोन्स, आईज के नीचे के जो बोन होते हैं चीक बोन्स, एंड इवन माय हेयर, ये हेयर भी, मतलब ये कहना चाह रही कि इनके बॉडी का एक एक पार्ट जो, एक एक अंग जो है सेंसेशन महसूस करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जो जिस स्टिक से हीट करती है उसी फिंगर टिप्स जो है उसी से जो है वो साउंड को सेंस कर लेती है, मतलब साउंड को समझ जाती है। By leaning against the drums, जो ड्रम बजाते थे तो ड्रम के जो नोट्स होते हैं, जो आवाज निकलती है वो डिफरेंट तरीके की होती है। सी कैन फील रिजोनेंस, रिजोनेंस मीन्स होता है किसी चीज का डेप्थ क्लियर लॉन्ग पीरियड तक आए, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, मतलब जो ड्रम की आवाज होती थी तो ऐसा ही महसूस करती थी कि उसके जो नोट्स हैं, रिदम हैं, इनके शरीर में फ्लो कर रहे हैं। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के बने प्लेटफॉर्म पे सी रिमूव्स हर सूज, अपने सूज को निकाल देती थी ताकि पैर में जो है वाइब्रेशन बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट, नंगे पैर होता है बेयर फिट, अप हर लेग्स, और उसके लेग में तो जो भी वाइब्रेशन होगा वो वुडन प्लेटफॉर्म पे इसलिए रहती थी कि वाइब्रेशन ज़्यादा उसको महसूस हो और उसी बेयर फिट के थ्रू वो जो है आवाज महसूस कर। Not surprisingly, Eveline delights her audience. Audience जो सुनने वाले थे, delight मतलब उसको खुश करना, तो वो अपने audience को surprisingly तरीके से नहीं खुश करती थी, वो continue deftness रहती थी खुश करने में। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious soloist of the year award. तो चूंकि ये एक बहुत सा function अकेले भी करती थी तो इनको जो है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी द्वारा जो है बहुत प्रेस्टिजियस जो है अवार्ड दिया गया। सेज मास्टर परसोसिनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जेम्स ब्लेड्स बोलते हैं
गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी हियरिंग एबिलिटी को ले लिया, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हियरिंग एबिलिटी को तो गॉड ने ले लिया, लेकिन उसे बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है कि किसी चीज के लिए बहुत बड़ी विशेषता हो गई या कोई अच्छा गुण हो गया, तो ये सारी चीजें भगवान ने उसको दे दी। व्हाट वी हियर सी फील्स, हम लोग जो सुनते हैं वो महसूस कर लेती, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम लोग जितना सुनते हैं उससे बेटर तरीके से बहुत ज्यादा वो महसूस कर लेती। डैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और वो कह रहे हैं कि इसी कारण वो म्यूजिक को बहुत ब्यूटीफुली तरीके से प्रेजेंट करती है, क्योंकि वो सुनती बहुत अच्छा तरीके से। एवलाइन कॉन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, वर्कहोलिक बहुत जो मेहनत करता है, और वो स्वीकार किए कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, वो करे कि मुझको काम करना है, कुछ करना है। ऑफन हार्डन एंड क्लासिकल म्यूजिशियंस, ऑफन हार्डन है क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, उसमें बहुत सेंस लगता है, लेकिन ये करे कि उससे भी ज़्यादा मेहनत हमको करना है। बट द रिवार्ड्स आर इनोमरस, इनोमरस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, रिवार्ड्स तो बहुत ज़्यादा था उनको। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, रेगुलर कंसर्ट्स का मतलब होता है कि लगातार कहीं कहीं जाके वो अपना प्रोग्राम देते रहती थी। एवलाइन ऑल्सोज एग्री फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, वो जेल में जाकर हॉस्पिटल में जाकर फ्री में कंसर्ट करती थी, उसके लिए कोई पैसे नहीं देती थी। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और यंग म्यूजिशियंस जो होते हैं उनको बहुत प्रायोरिटी दिया करती थी। एन रिचलिन ऑफ द बेथोवेन फंड्स ऑफ डीफ चिल्ड्रन से, एन रिचलिन ने कहा था सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। डीफ चिल्ड्रन का मतलब है कि ये डिसेबिलिटी होती है, डिफनेस, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए ये जो है साइनिक इंस्पायर, मतलब एक एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करेगी, एक अच्छाई का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वो जो बच्चे होंगे डीफ बच्चे होंगे इनके बारे में जान के इंकरेज करेंगे कुछ अच्छा करने के लिए। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट कैन दैट दे कैन नॉट गो, और वो कहें दे मतलब जो चिल्ड्रन होंगे, जो डीफ चिल्ड्रन होंगे, ये इसको देख के, इनको देख के महसूस करेंगे कि वो दे कैन नॉट गो, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सके, मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे वो सक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो काम करती थी, लाइन जो काम करती थी, ये म्यूजिक का काम था, म्यूजिक में सुनने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हियरिंग होती है, लेकिन ये हियरिंग एबिलिटी इनकी थी, लेकिन ये ईयर के थ्रू, कान के थ्रू नहीं सुनती थी, ये महसूस करती थी। एवलाइन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज, अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है अचीव्ड, उसके डबल एज के लोग जितना अचीव किए थे उतना अचीवमेंट ये प्राप्त कर ली थी। सी हैज ब्रॉट पिकासो टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, पिकासो का मतलब होता है ड्रम, और ड्रम से आवाज जो निकलती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की निकलती है, तो वही कह रहे हैं कि सी हैज ब्रॉट, ये जो ड्रम है ये ऑर्केस्ट्रा में आगे तक लाई, एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये डेमोस्ट्रेट मतलब होता है लोगों के सामने प्रेजेंट की कि जो है इसका जो ड्रम का जो है ये ऑर्केस्ट्रा में इंपॉर्टेंस बहुत आगे मूव कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। सी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड का मतलब होता है जो किसी तरह के डिसएबल होते हैं, तो इन लोगों के लिए जो है ये इंस्पिरेशन थी, मत कि वे लोग भी इनके बारे में पहले इनके बारे में जान के ये समझने की कोशिश करें कि वो भी जहाँ चाहे आगे बढ़ सकते हैं। पीपुल हु लुक टू हर एंड से, जिन लोगों ने उनको बहुत अच्छे तरीके से जाना, वो कहा इफ सी कैन डू इट आई कैन, और अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट सी हैड गिवन इनॉमरस प्लीजर टू मिलियंस, और इतना ही नहीं वो मिलियंस लोगों को, इनॉमरस मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को वो जो है प्लेजर दी, खुशी दी, डीप होते हुए भी। और इसी के साथ आपका चैनल समाप्त हो गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक।